Hey guys, welcome to Core City. Today we'll be covering about the procedure for constitutional amendment. Constitutional amendment कैसे under article 368 आती है. तो constitutional amendment से कैसे होता है कि हम constitution में कोई भी change करते हैं. It can be any part except the basic structure. ठीक है. तो जो उसके लिए procedure होता है वो special majority से pass होना होता है. दूसरी चीज अगर वो federal provision के under आता है तो special majority plus 50% जो है ratified by the states भी होना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए स्टेप्स क्या है. स्टेप वन ये होगा कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के किसी हाउस में. बोथ हाउसेस में से किसी भी पेश किया जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं, बट स्टेट लेजिस्लेचर में पेश नहीं किया जा सकता. ठीक है. इसको मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए. ठीक है. बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है. स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए बाय ईच हाउस. ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली. अलग अलग पास होना चाहिए बिकॉज इन दिस केस ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है. ठीक है. ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता. ठीक है. टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन कैसे है कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई करवाना पड़ेगा बाय सिंपल मेजोरिटी 50% ऑफ स्टेट से. ठीक है. आफ्टर दिस कैसे होगा. बिल प्रेजेंट किया जाएगा टू प्रेजिडेंट. ठीक है. प्रेजिडेंट को वो असेंट देना ही पड़ेगा. उसके पास रिटर्न की, रिकन्सिडरेशन की या विदहोल्ड की पावर नहीं है. ठीक है. ये 24th अमेंडमेंट एक्ट से आ गया था. उसके बाद है आफ्टर द प्रेजिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट. ठीक है. फिर बिल क्या है, एक्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर सिटी. बाय.